गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एज वी हैव स्टार्टेड अब चैप्टर 3, द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, द बायोलॉजिकल बेसिस एंड द कल्चरल बेसिस। टुडे वी विल डिस्कस द कल्चरल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एक ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो किस तरह सा उसकी कल्चर पर डिपेंड करता है, किस तरह का इफेक्ट उसकी कल्चर का उसके बिहेवियर पर पड़ता है, वी विल डिस्कस इट। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट कल्चर। वॉट इज कल्चर? In spite of the fact that culture is always with us, much confusion exists in defining culture. It is more like the notion of energy in physics or group in sociology. Some believe that culture really exists but out there and it matters to individual, while others believe that culture does not really exist. Instead, it is an idea created and shared by a group of people. देखिए, culture किसी भी person के साथ हमेशा से एग्जिस्टेंस में रहती है, और विदाउट कल्चर एक इंडिविजुअल की जो खुद की पहचान है, आइडेंटिटी है, वो नहीं हो सकती। ओके, लेकिन कल्चर की डेफिनेशन को लेकर बहुत सारे जो है कन्फ्यूजन्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कल्चर का बहुत बड़ा रोल है, कुछ लोग कहते हैं कि कल्चर का कोई रोल नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि जो ग्रुप होता है, लोगों का ग्रुप होता है, वही आइडियाज़ जो क्रिएट करता है और शेयर करता है, वही कल्चर है। सो कल्चर की डेफिनेशन को देखते हैं। द इन्यूमरेबल डेफिनेशंस ऑफ कल्चर कॉमनली पॉइंट टू सम ऑफ इट्स एसेंशियल फीचर्स। अब बहुत सारी आपकी डेफिनेशंस है कल्चर की, लेकिन उसके अंदर क्या है, हर एक डेफिनेशन के कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। लाइक वन इज दैट कल्चर इंक्लूड्स बिहेवियरल प्रोडक्ट्स ऑफ अदर्स हु प्रीसीड अस। मीन्स जो कल्चर है उसके अंदर क्या होते हैं, बिहेवियर प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं बिहेवियर को लेकर, जिसे हमें फॉलो करना होता है। ओके, इट इंडिकेट्स बोथ सब्सटेंशियल एंड एब्स्ट्रैक्ट पर्टिकुलर्स दैट हैव प्रायर एग्जिस्टेंस इन वन फॉर्म और अनदर। और उसके अंदर क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर्स होते हैं वो सब्सटेंशियल भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, और उनका जो एग्जिस्टेंस है वो क्या होता है, किसी भी पर्सन के अंदर एक दूसरे बिहेवियर को जनरेट करने में हेल्प करता है। ओके, दिस कल्चर इज ऑलरेडी देयर एज वी बिगिन लाइफ। इट कंटेन्स वैल्यूज डैट विल बी एक्सप्रेस्ड एंड अ लैंग्वेज इन विच टू एक्सप्रेस दैम। अब देखिए, जब हम लाइफ को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ वी हैव कल्चर। हमारे साथ कौन होती है, कल्चर होती है, और कल्चर के अंदर क्या होती है, कुछ सर्टेन वैल्यूज होते हैं, कुछ सर्टेन नॉर्म्स होते हैं जिनको हमें एक्सप्रेस करना होता है लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, इट कंटेन्स अ वे ऑफ लाइफ डैट विल बी फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ अस हु ग्रो अप इन दैट कंटेक्स्ट। और ये जो कल्चर होती है वो हमें क्या दिखाती है, वे ऑफ लाइफ सिखाती है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने जीवन को, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमारी कल्चर होती है, हम उसी तरह का जो अपने लाइफ का पैटर्न है बना लेते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, और उसी में हम बड़े भी होते हैं। ठीक है, उसी कंटेक्स्ट में। कल्चर प्रोवाइड्स मीनिंग बाय क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट कैटेगरीज लाइक सोशल प्रैक्टिसेस एंड रोल्स एज वेल एज वैल्यूज बिलीव्स एंड प्रिमाइसेस। एज रिचर्ड शेवडर पुट इट, टू लर्न दैट सम मदर सिस्टर्स हस्बैंड इज एन अंकल, वन मस्ट समहाउ रिसीव द फ्रेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अदर्स। देखिए, ये जो कल्चर है हमारी, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है बेटा, कुछ सिग्निफिकेंट कैटेगरीज उसने हमें दी हुई हैं, हमारी कुछ जो मान्यताएं हैं, हमारी जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं। लाइक मैरिज है, मैरिज में क्या होता है, जिसके साथ जिसकी मैरिज होती है वो क्या कहलाते हैं, ब्राइड ग्रूम कहलाते हैं, दूल्हा दुल्हन हो गए। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे, कुछ बिलीव्स हैं, कुछ हमारे प्रिमाइसेस हैं, और उनको हमें फॉलो करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, हमारी जो लाइफ है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा स्कीमाज होते हैं, ठीक है, स्कीमाज की बात हमने की थी, और हमने कैटेगरीज की बात की थी, उसी तरह से यहाँ पर क्या है, सोशल कैटेगरीज बनी हुई हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जो मदर की जो सिस्टर है उसका जो हस्बैंड होगा वो क्या कहलाएगा, अंकल कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक फ्रेम मिल गया कि अगर किसी की भी मदर हो और उनकी जो सिस्टर हो, उसका जो हस्बैंड हो, चाहे वो कोई भी हो, वट एवर,
ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, अंकल ही कहलाएगा। ठीक है, तो वो क्या हुआ हमारा, सोशल कैटेगरी हो गई। और ये किसने दी हमें, ये कैटेगरी किसने फ्रेम की हमारे लिए, कल्चर ने, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हमारे रोल हैं जो प्री डिसाइडेड हैं, ये किसके थ्रू हैं, ये हमारी कल्चर के थ्रू ही तो हैं। सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट विद इन विच ह्यूमन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस वेरी वाइडली ओवर टाइम एंड प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, सम 20 ईयर्स अगो चिल्ड्रेन इन इंडिया वुड नॉट हैव नोन सेवरल प्रोडक्ट्स दैट आर नाउ पार्ट ऑफ अ चाइल्ड्स वर्ल्ड। देखिए, ये जो आपके सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे क्या करते हैं, टाइम टू टाइम क्या होते हैं, चेंज होते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि अगर 20 साल पहले के बच्चों की आज के बच्चों के साथ हम कंपैरिजन करें, तो वहाँ पर जो 20 साल पहले के जो बच्चे होंगे उनके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी जितना कि आज के बच्चे के पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वेरी कर रहा है, जो टाइम टू टाइम क्या होता है, सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट में चेंजेस आते हैं। सिमिलरली, इन आदिवासी लिविंग इन अ रिमोट फॉरेस्ट और हिली एरिया वुड नॉट हैव अ पिज्ज़ा और सैंडविच एज ब्रेकफास्ट। उसी तरह से अगर आदिवासियों की बात की जाए जो कि बहुत दूर जंगलों में रहते हैं या फिर हिली एरिया में रहते हैं, तो वो लोग पिज़्ज़ा कल्चर से जो है उनको पिज़्ज़ा को नहीं जानते होंगे वो लोग, ना ही सैंडविच को जानते होंगे कि ब्रेकफास्ट में हमें ये चीज़ें भी लेनी होती हैं, क्योंकि ये उनके कल्चर का पार्ट नहीं है। इन द प्रीवियस पैराग्राफ्स वी हैव मेड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ द टर्म कल्चर एंड सोसाइटी, ऑफन दे आर कंसिडर्ड टू कैरी सिमिलर मीनिंग। अभी हमने पीछे के जो इतने पैराग्राफ्स थे वहाँ पर क्या यूज़ किया है, कल्चर और सोसाइटी टर्म को यूज़ किया है। और कई बार क्या होता है कि लोग इन दोनों जो चीज़ें हैं, जो टर्म हैं, उनको क्या कर देते हैं, सिमिलर वे में डिस्क्राइब कर देते हैं, बट दे आर डिफरेंट। अ सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर टेरिटोरी एंड स्पीक अ कॉमन लैंग्वेज नॉट जनरली अंडरस्टूड बाई नेबरिंग पीपल। देखिए, जो सोसाइटी है वो क्या है, लोगों का ग्रुप है, ठीक है, और वो क्या है, वो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी को बिलोंग करते हैं और क्या करते हैं, वो कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो सेम होती है, जनरली अंडरस्टूड बाई नेबरिंग पीपल, और जो उनके नेबरिंग पीपल हैं वो उस लैंग्वेज को नहीं समझते। सोसाइटी मे और मे नॉट बी अ सिंगल नेशन, बट एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कल्चर। अब जो सोसाइटी है वो हो भी सकता है कि सिंगल नेशन का वर्क करे या नहीं भी हो सकता है कि नहीं करे, लेकिन ये जो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनका एक अपना कल्चर होता है, एक पर्टिकुलर कल्चर को वो एक्सेप्ट करे हुए होती हैं, एंड इट इज़ कल्चर डैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। और यही वो कल्चर होती है जो शेप करती है, एक शेप देती है ह्यूमन बिहेवियर को फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, तभी तो वेरिएशन आएगा। ठीक है, कल्चर इज़ द लेबल फॉर ऑल द डिफरेंट फीचर्स दैट वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। और कल्चर ही वो लेबल है जो क्या करता है, डिफरेंट फीचर्स देता है सोसाइटी मेंबर्स को, जिसके बेसिस पर जो कल्चर टू कल्चर क्या होता है, वेरिएशन सोसाइटी मेंबर्स में आता है। इट इज़ दीज डिफरेंट फीचर्स ऑफ सोसाइटी हुज इन्फ्लुएंसेस साइकोलॉजिस्ट वांट टू एग्जामिन इन देयर स्टडीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और यही जो डिफरेंट तरह के फीचर्स होते हैं सोसाइटी के अंदर, जिसका इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिस्ट क्या करना चाहते हैं, एग्जामिन करना चाहते हैं कि किस तरह से वो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस्ड करती हैं। दस अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मैनेज देयर लाइवलीहुड थ्रू हंटिंग एंड गैदरिंग इन फॉरेस्ट वुड प्रेजेंट अ लाइफ कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन फीचर्स डैट विल नॉट बी फाउंड इन अ सोसाइटी डैट लिव्स मेनली ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और वेज अर्निंग्स। देखिए, अब एक ग्रुप ऐसा भी है लोगों का जो क्या करते हैं, जो अपनी जो लाइवलीहुड है वो कैसे मैनेज करते हैं, हंटिंग के थ्रू करते हैं या फिर क्या करते हैं कि फॉरेस्ट में गैदरिंग करके अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं, लेकिन उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी, जो उनकी लाइफ की करेक्टरिस्टिक्स होंगी, कुछ सर्टेन फीचर्स होंगे, वो उस सोसाइटी में नहीं पाए जाएंगे जहाँ पर, जिस सोसाइटी के लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। जो यहाँ वाले लोग हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहे हैं और जो लोग हंटिंग पर डिपेंड कर रहे हैं, तो दोनों के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है,
कल्चरल का ही तो इफेक्ट, कल्चरल इफेक्ट ही तो है, जिसकी वजह से क्या है लोगों के अंदर वेरिएशन जो बिहेवियर में हमें दिखाई दे रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कल्चरल ट्रांसमिशन। वी हैव सीन अर्लियर दैट एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल क्रिएचर्स। एज बायोलॉजिकल क्रिएचर्स वी हैव सर्टेन वाइटल नीड्स, देयर फुलफिलमेंट enhances our chances of surviving. In fulfilling these needs we use most of our acquired skills. देखिए अब क्या है कि कुछ हम क्या है, हम सभी लोग क्या है, बायोलॉजिकल क्रिएचर्स हैं, हमारी कुछ सर्टेन वाइटल नीड्स हैं, और अगर हम वो नीड्स को पूरा कर लेते हैं तभी हम सर्वाइव कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, अब ये जो हमारी नीड्स हैं उनकी फुलफिलमेंट के लिए क्या है, हमारे पास क्या है, कुछ एक्वायर्ड स्किल्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम इन जो हमारी नीड्स हैं वाइटल नीड्स उनको फुलफिल कर सकें। वी ऑल्सो हैव अ हाईली डेवलप्ड कैपेसिटी टू बेनिफिट फ्रॉम एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर ओन एंड दोज ऑफ अदर्स। और हमारे पास क्या है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे खुद के अपने भी हैं और दूसरों के भी हैं, जिसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी को हम डेवलप कर सकते हैं। नो अदर क्रिएचर्स हैज़ लर्निंग कैपेसिटी टू द सेम एक्सटेंट एज वी हैव। लेकिन जितने भी अदर क्रिएचर्स हैं इस वर्ल्ड में, उनके पास ही कैपेसिटी नहीं है, क्या किस चीज़ की कैपेसिटी नहीं है, लर्निंग कैपेसिटी। लर्निंग कैपेसिटी कैसे है ह्यूमन बीइंग्स के पास, अगर आज हम कोई वर्क कर रहे हैं बेटा और वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, तो जो नेक्स्ट टाइम अगर हम उस वर्क को करेंगे तो वो जो एक्सपीरियंस हमारा जो प्रीवियस वर्क था उसका जो एक्सपीरियंस होगा उसके बेस पर हम क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे कि वो जो प्रॉब्लम्स पहले आई थी वो दोबारा से जनरेट ना हो। तो ये कैपेसिटी किसके पास है, ह्यूमन बीइंग्स के पास है। ओके, नो अदर क्रिएचर हैज़ क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ लर्निंग कॉल्ड एजुकेशन एंड नन इन दिस यूनिवर्स वॉन्ट्स टू लर्न एज मच एज वी डू। ना ही किसी अदर क्रिएचर के पास ये जो एजुकेशन है जिससे हम लर्न करना सीखते हैं वो सारी चीज़ें भी नहीं है, ना ही कोई सीखना चाहता है जैसे कि ह्यूमन बींग सीखना चाहते हैं। As a result, we display many forms of behavior that are uniquely human and creations of what we call culture. So, अब क्या है कि हमारा जो behavior है बहुत तरह का होता है, अलग अलग तरह के form में आता है, और जिसके basis पर हम क्या कहलाते हैं, unique human बन जाते हैं, और जिसके बेस पर ये सारी चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाता है, कल्चर कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ इनकल्चुरेशन एंड सोशलाइजेशन मेक्स कल्चरल बींग्स। और ये जो इनकल्चुरेशन है और सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसी के बेस पर क्या हम बन पाते हैं, कल्चरल बींग्स बन पाते हैं। सो वॉट इज़ इनकल्चुरेशन? इनकल्चुरेशन रेफर्स टू ऑल लर्निंग दैट टेक्स प्लेस विदाउट डायरेक्ट डेलिबरेट टीचिंग। वी लर्न सर्टेन आइडियाज कंसेप्ट एंड वैल्यूज डायरेक्टली। देखिए यहाँ पर बात आ रही है इनकल्चुरेशन क्या है। इनकल्चुरेशन वो सारी लर्निंग है जो कि हम डायरेक्ट और डेलिबरेट टीचिंग के बिना सीखते हैं। ओके, और ये सारी चीज़ें जो सर्टेन आइडियाज़ हैं, कंसेप्ट हैं, वैल्यूज़ हैं, वो हम कहाँ से सीखते हैं, जो हमारा कल्चरल कंटेक्स्ट है वो वहाँ पर एग्जिस्ट हैं तो वहीं से हम सीख लेते हैं। सपोज़ कि कोई एक बच्चा है, वो बच्चा अपने घर में क्या देखता है कि उसके घर का जो कल्चर है वो ये कह रहा है कि सुबह उठकर सभी जो घर के बड़े हैं वहाँ पर पैर छूने, तो बच्चे को कोई सिखाएगा नहीं, वो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है, जब से वो हुआ है 1 ईयर का, जब से वो समझदार हुआ है तब से वो देख रहा है कि घर के बड़े लोगों के पैर छूए जाते हैं, तो वो भी उस चीज़ को कैरी कर लेगा। वहाँ पर उसको कोई सिखा नहीं रहा है, उसको कोई डायरेक्ट टीच नहीं करना कि आपको ऐसे करना है, वो कहाँ से सीखा, क्योंकि उसके घर का जो कल्चर है वो ये कह रहा है, इसलिए उसने उस चीज़ को सीख लिया। Thus, enculturation refers to all learning that occurs in human life because of its availability in our socio-cultural context. The key element of enculturation is learning by observation. तो ये जो ह्यूमन लाइफ है इसमें enculturation का बहुत बड़ा रोल है।
अगर देखा जाए तो ये जो आपका एनकल्चुरेशन है, इसका जो की एलिमेंट है वो क्या है? ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमारा एनकल्चुरेशन होता है, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है हमारे चारों तरफ, हमारी सोसाइटी, हमारी कल्चर किस नॉर्म्स को फॉलो कर रही है। तो उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, विदाउट डायरेक्ट टीचिंग हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसको अपने बिहेवियर का पार्ट बना लेते हैं। वेन एवर वी लर्न एनी कंटेंट ऑफ अवर सोसाइटी बाय ऑब्जर्वेशन, एनकल्चुरेशन इज एन एविडेंस। दीज कंटेंट्स आर कल्चरली शेप्ड बाय अवर प्रीसीडिंग जनरेशन। और वो क्या होता है, वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, फिर ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं। ठीक है, आज हमने कोई चीज़ कैरी की अपनी पर्सनैलिटी में थ्रू ऑब्जर्वेशन, कल को हमारे बच्चे उस चीज़ को देखते हैं और वही चीज़ नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है। इन दिस सेंस इनकल्चुरेशन ऑलवेज रेफर्स टू लर्निंग समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। सो इनकल्चुरेशन क्या है, वो उस लर्निंग को बढ़ावा दे रही है, रेफर कर रही है जो कि चीज़ पहले से ही अवेलेबल है, जो चीज़ एग्जिस्टेंस में है उसी को तो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम और उसी को आगे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। A major part of our behavior is the product of enculturation. In Indian families, many complex activities like cooking are learned by observation. अब यहाँ पर बात आ रही है कि जो हमारा major part है behavior का, वो किसका product है, enculturation। बहुत सारा जो behavior है हम enculturation के through सीखते हैं, जैसे हमारी जो Indian families है तो वहाँ पर ये जो कुकिंग वगैरह है वो हम कैसे सीखते हैं, वो भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही सीखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे घर में क्या बनता है क्या नहीं बनता है, तो उसी चीज़ को तो हम बनाते हैं। अगर हमारे घर में नॉनवेज नहीं है तो हम उस चीज़ को नहीं खाते, हम पसंद नहीं करते नॉनवेज खाना। देयर इज़ नो प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम एंड नो टेक्स्ट बुक फॉर सच एक्टिविटीज़ एंड देयर इज़ ऑल्सो नो डिलिबरेट इंस्ट्रक्शंस फॉर कुकिंग। ठीक है, अब जैसे कुकिंग के लिए जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं कुकिंग के लिए, तो वहाँ पर ये ऐसा नहीं कि उसके कोई टेक्स्ट बुक करिकुलम होगा पर्टिकुलर और उसके बेस पर वो कुकिंग सिखाई जाएगी। वहाँ पर क्या है, ऑब्जर्व किया और सीख लिया। द नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाई विच इंडिविजुअल्स एक्वायर नॉलेज, स्किल्स एंड डिस्पोजिशन। सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल है नॉलेज एक्वायर करता है, स्किल्स और डिस्पोजिशन एक्वायर करता है, विच एनेबल डैम टू पार्टिसिपेट एज इफेक्टिव मेम्बर्स ऑफ ग्रुप्स इन सोसाइटी, और जिसके बेस पर वो जो सोसाइटी है उसका एक इफेक्टिव मेंबर बन सकता है और उसके बेस पर वो क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है ग्रुप ऑफ सोसाइटीज। दैट इट इज़ अ प्रोसेस दैट कंटिन्यूस ओवर द एंटायर लाइफ स्पान एंड थ्रू विच वन लर्न्स एंड डेवलप्स वेज ऑफ इफेक्टिव फंक्शनिंग एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। और ये जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है बेटा, ये इंटायर लाइफ स्पैन चलती है, कभी ख़त्म नहीं होती, और जिसके बेस पर ही कोई पर्सन सीखता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो डेवलपमेंटल स्टेज है, हमारी डेवलपमेंट की स्टेज हैं, उन स्टेजेस पर हमें किस तरह से इफेक्टिवली फंक्शनिंग करनी है। सोशलाइजेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द सोशल एंड कल्चरल ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इट्स फेलियर इन एनी सोसाइटी मे इंडेंजर द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ दैट सोसाइटी। ये जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है इसी के थ्रू बेटा क्या होता है, आपकी ट्रांसफ़र होती है जो आपकी कल्चर है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन सजेस्ट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल फार रेपर्टोयर ऑफ बिहेवियर्स दैट दे एवर एग्जिबिट। वी बिगिन लाइफ इन अ पर्टिकुलर सोशल कंटेक्स्ट एंड देयर वी लर्न टू मेक सर्टेन रिस्पॉन्सेज एंड नॉट अदर्स। बात आती है आपका जो सोशलाइजेशन है, उसी जिस भी सोशल कंटेक्स्ट में हम रहते हैं उसी सोशल कंटेक्स्ट की चीज़ों को हम क्या करते हैं, कैरी करते हैं। जैसे अभी इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि जो हमारा लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होता है, तो ऐसे तो वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन क्या हम वो सारी लैंग्वेजेस बोलना शुरू करते हैं? नहीं, जो हमारी मदर टंग है, जो हमारे सोसाइटी में बोली जा रही है, जो हमारी कल्चर में बोली जा रही है, उन्हीं वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं, उसी तरह की लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। जैसे किसी बच्चे के घर में अगर आप करके स्टार्टिंग से बोला जाता है, वो बच्चा आप ही आप करके बोलता है। ठीक है,
अब किसी सोसाइटी में अगर तू वर्ड को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है तो उसकी सोसाइटी में वो देख रहा है तू वर्ड बोलते हुए या अपने फैमिली मेम्बर्स को देख रहा है, तो वहाँ पर क्या है, वो बच्चा उस चीज़ को कैरी कर लेता है। तो जो भी हमारा सोशल कंटेक्स्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमारा सोशलाइजेशन होता है। अब बात आती है जो सोशलाइजेशन है उसके कौन कौन से एजेंट्स हैं। कुछ एजेंट्स हैं जिनके थ्रू किसी भी पर्सन का सोशलाइजेशन होता है। ओके, सो सबसे पहला जो एजेंट है वो क्या है, हमारा पेरेंट्स। पेरेंट्स हैव मोस्ट डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। जो पेरेंट्स हैं उनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है किस पर, चिल्ड्रन के डेवलपमेंट पर। जैसे पेरेंट्स का बिहेवियर होता है, अगर वो रूड बिहेवियर कर रहे हैं या रूडली बात करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हैं, तो वो उसका इफेक्ट उस बच्चे के डेवलपमेंट पर भी ज़रूर पड़ेगा। चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड इन डिफरेंट वेज टू पेरेंट्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। पेरेंट्स इनकरेज सर्टेन बिहेवियर्स बाय रिवार्डिंग देम वर्बली, प्रेसिंग और इन अदर टेंजिबल वेज, बाइंग चॉकलेट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डिज़ायर। देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चे कुछ अच्छा अगर कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स की तरफ से उनको कुछ एप्रिसिएशन मिलता है या फिर टेंजिबल सपोर्ट। टेंजिबल सपोर्ट क्या होता है कि कुछ कुछ सब्सटेंस के थ्रू, कुछ चीज़ों के थ्रू उस बच्चे को हेल्प की जाए। लाइक आप मनी भी दे सकते हो, कोई गिफ्ट भी दे सकते हो, पैसों से रिलेटेड कोई भी चीज़। ठीक है, तो अगर पेरेंट्स की तरफ से उस पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए अगर प्रेस किया जाता है, बच्चे को अप्रिशिएट किया जाता है, तो वो क्या करेगा, बच्चा सीख जाएगा उस काम को करना कि ये चीज़ अच्छी है और मुझे अपने बिहेवियर में कैरी करनी है क्योंकि उसके लिए मुझे रिवॉर्ड मिला है। ठीक है, दे ऑल्सो डिस्करेज सर्टेन बिहेवियर्स थ्रू नॉन अप्रूविंग बिहेवियर्स। और कई बार क्या होता है कि ऐसे कुछ बिहेवियर भी हमें बच्चे के अंदर दिखाई दे जाते हैं कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है या ठीक चीज़ें नहीं कर रहा है बच्चा, तो वहाँ पर क्या करना होता है, हमें डिस्करेज करना होता है। हम यहाँ पर उसको पनिशमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो अरेंज टू पुट चिल्ड्रेन इन अ वराइटी ऑफ सिचुएशन डेट प्रोवाइड दैम विद अ वराइटी ऑफ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। और जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं अपने बच्चों को ऐसी सिचुएशंस में रख सकते हैं जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह की सिचुएशंस हैं, जहाँ पर वो बच्चे कैरी करना सीख जाएं, जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं उनको गेन करें और अपॉर्चुनिटीज से कैसे सीखा जाए, ये सारी चीज़ें, चैलेंजेस को कैसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया जाए, ये सारी चीज़ें बच्चे सीख जाते हैं। तो ये सब बहुत कुछ पेरेंट्स की अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है। While interacting with children, parents adopt different strategies which are generally known as parenting style. ठीक है, अब ये जो parenting style किसको बोला जाता है, कि जो तरह तरह के strategies parents बच्चे को socialization करने के लिए अपनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, parenting styles होता है। A distinction is made between authoritarian and democratic or permissive parenting style. वो आपका जो है अथॉरिटेरियन भी हो सकता है, डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। स्टडीज़ इंडिकेट डेट पेरेंट्स वेरी इनॉर्मियसली इन द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन टर्म्स ऑफ देयर डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डिग्री ऑफ कंट्रोल। द कंडीशन ऑफ लाइफ इन विच पेरेंट्स लिव, पॉवर्टी, इनलेस जॉब स्ट्रेस, नेचर ऑफ फैमिली ऑल्सो इन्फ्लुएंस द स्टाइल्स दे अडॉप्ट इन सोशलाइजिंग चिल्ड्रेन। अब जैसा भी किसी भी पेरेंट्स का खुद का जो है परसेप्शन ऑफ लाइफ होता है या खुद की पर्सनालिटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, उसी के तरह से उनको वे ऑफ लाइफ सिखाते हैं वो, कि किस तरह के चीज़ें आपको अपनी लाइफ में कैरी करनी है। कई बार क्या होता है कि कुछ जो पेरेंट्स हैं उनका अगर जैसे पॉवर्टी है, इलनेस है, जॉब का स्ट्रेस है, नेचर ऑफ फैमिली है, ये सब चीज़ें भी बच्चे के सोशलाइजेशन पर इफ़ेक्ट डालते हैं। लाइक एक आप एग्जांपल लीजिए यहाँ पर कि एक बच्चा है, अगर उसके पेरेंट्स बीमार रहते हैं, ठीक है, फैमिली में पॉवर्टी है, ठीक है, छोटा मोटा एक जो है जॉब करते हैं फैमिली में उसके फादर बच्चे के, तो वहाँ पर क्या है उसका सोशलाइजेशन क्या होगा, वो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा जहाँ पर एक बच्चा ऐसा है जिसकी फैमिली रिच है
या फिर जो है किसी भी तरह की घर के अंदर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, तो वहाँ पर उस बच्चे का सोशलाइजेशन अच्छा होगा। अब यहाँ पर पैसे की बात बेटा इसलिए आ रही है, क्या क्या उसमें क्या है कि स्ट्रेस फैमिली के अंदर अगर बना रहेगा तो वो बच्चे के ऊपर उतना ध्यान नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका जो बेसिक नीड्स की तरफ ज़्यादा अगर ध्यान रहेगा तो बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए उसके जो डेवलपमेंट है, सोशलाइजेशन है, उसकी प्रोसेस में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस ज़रूर क्रिएट होगा। द सेकेंड एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज स्कूल। स्कूल इज अनदर इम्पॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंट सिंस चिल्ड्रेन स्पेंड अ लॉन्ग टाइम इन स्कूल विच प्रोवाइड देम विद अ फेयरली ऑर्गेनाइज सेट अप फॉर इंटरेक्शन विद टीचर्स एंड पीयर्स। स्कूल इज टूडे बींग व्यूड एज अ मोर इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ चाइल्ड सोशलाइजेशन दैन पेरेंट्स एंड फैमिली। अगर स्कूल की बात की जाए तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ज़्यादा टाइम बच्चे अपने जो है स्कूल में रहते हैं तो वहाँ पर उनका इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ होता है, तो वहाँ पर बच्चा क्या सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है, कोऑपरेशन सीखता है, चीज़ों को शेयर करना सीखता है, और बहुत सारी चीज़ों को वो सीखता है स्कूल के अंदर आकर ही। अगर स्कूल ना हो तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते हैं, देखा होगा बेटा आपने कभी, तो वहाँ पर देखिए कि उनका जो सोशलाइजेशन है वो आधा ही होता है इन कंपैरिजन ऑफ दोज हु आर डेली गोइंग टू स्कूल। तो वहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम कहाँ आई कि जो चीज़ें स्कूल प्रोवाइड करा रहा है, सोशलाइजेशन उनका कर रहा है, वो बच्चे उन चीज़ों को नहीं सीख पाते। चिल्ड्रन लर्न नॉट ओनली कॉग्निटिव स्किल्स, ना जो बच्चे हैं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉग्निटिव स्किल्स ही सीखते हैं वहाँ पर स्कूल में जाके, जैसे रीडिंग है, राइटिंग है, डूइंग मैथमेटिक्स, बट ऑल्सो मैनी सोशल स्किल्स, बल्कि वो क्या क्या सीखते हैं, सोशल स्किल्स भी सीखते हैं, लाइक वेज ऑफ बिहेविंग विद एल्डर्स, किस तरह से बड़ों के साथ बिहेव करना है, एंड एज मेट्स और जो उनके साथी ग्रुप के बच्चे हैं एज ग्रुप के, उनके साथ कैसा बिहेव करना है, एक्सेप्टिंग रोल्स, और कोई भी रोल अगर उनको दिया जाता है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, फुलफिलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी जाती है उनको कैसे फुलफिल करना है, ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है, स्कूल सिखाता है। स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल हमारे सोशलाइजेशन में होता है।